में तो धमाकेदार न्यूज आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। हमारी पहली न्यूज आ रही है Xiaomi Mi 11 के बारे में। Xiaomi का Mi 11 लॉन्च हुआ था, हम आपको सारे स्पेसिफिकेशन के साथ रिव्यू दिए थे और वो फोन 5 मिनट के अंदर बिका है 350,000 यूनिट्स, मतलब बहुत ही जबरदस्त बिका है और उसकी डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है। देखते हैं इंडिया में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा और इंडिया में कितने बिकते हैं, क्या क्या होता है इसका देखेंगे, प्राइसिंग क्या होगी। सैमसंग का एक नया फोन आने वाला है। हम पिछले बार भी बताए थे एम सीरीज में एक नया फोन आने वाला है जनवरी के अंदर ही। बहुत पॉपुलर एम सीरीज भी है, ये बजट फोन होते हैं और इसके अंदर 7000 kmAh की बैटरी बताए थे, ये भी मालूम हो रहा है। देखेंगे, हो सकता है कि 5G फोन हो और इंडिया में इस महीने के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। बहुत सारे स्पेक्स उसके निकल चुके हैं और उसके साथ साथ दूसरे भी फोन लॉन्च होने वाले हैं। देखेंगे सैमसंग के कितने फोन लॉन्च होते हैं, देखते हैं। चलते हैं हमारी अगली न्यूज आ रही है किरण के तरफ से किरण 9010 के। किरण का एक नया प्रोसेसर आने वाला है 9010 और इसमें होने वाला है 3nm के चिप्स है, मतलब अच्छा फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है ये। और ये आने वाला है Huawei का Mate 50 Pro या फिर Mate 50 में, दोनों में आएगा ये जो है। चलते हैं बात करते हैं एप्पल की तरफ से, जो हमारी न्यूज आ रही है एप्पल की तरफ से। तो अगली न्यूज आ रही है हमारे एप्पल की तरफ से। तो एप्पल हमने ऐसा बता रखा है कि 2021 में आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन का जमाना होगा, तो एप्पल कैसे पीछे हट सकता है, वो भी लाने वाला है जल्द से जल्द अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन। मतलब आप सोच सकते हो इसके जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं वो ही इतने महंगे होते हैं, तो फोल्डेबल स्मार्टफोन कितना महंगा होगा हम यहाँ पर सोच सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर सैमसंग ने फोल्ड लाया, उसका एग्जांपल लेते हैं कि सैमसंग के जो नॉर्मल फोन आते हैं एस सीरीज एम सीरीज जो कि 20-30,000 तक के, जो उसका फोल्ड जो है वो कितने प्राइस का आता है, 1,07,000। वैसे आप एप्पल का सोचो, ये इसके मामूली फोन ही 1,00,000 अबो होते हैं, तो इसका फोल्डेबल स्मार्टफोन क्या 2-3 कितने लाख होगा हमें पता नहीं। आते ही हम आपको इसका प्राइस और क्या क्या फीचर्स नए दिए गए हैं इस एप्पल के फोन में हम आपको बता देंगे। चलते हैं हमारी अगली न्यूज आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है BIS सर्टिफिकेट पे, इंडियन BIS पे। वो फोन का नाम है हॉट 10 प्रो जो आने वाला है। इसके बेहतरीन फोन होते हैं, अभी जो लॉन्च हुआ था 8 जो बेहतरीन फोन है उसका, अब 10 आ रहा है देखेंगे। और 08i भी लॉन्च हुआ था, वो तो अच्छा प्रोसेसर और अच्छे कैमरा के साथ आया था। ये देखते हैं ये कैसा होगा और क्या प्राइस होने वाली है। प्राइस तो इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे लाता है। प्रोसेसर देखते हैं, ये प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर इस वाले में यूज करने वाला है, मीडिया तक क्या ही आएगा। हाँ, हो सकता है कि 5G फोन हो, 800 सीरीज का फोन 800 सीरीज में लेके आए मीडिया तक। हाँ, तो हो जाएगा ये फ्लैगशिप फोन के हिसाब में। हाँ, हाँ, वो ना हो कि 5G सबसे बजट 5G तो इन्फिनिक्स ही लाने वाला है बहुत थोड़े दिनों के बाद, मगर थोड़े दिन तक दूसरे कंपनी बजट में लाएगी, बाद में इन्फिनिक्स भी जरूर 5G फोन लाएगा। चलते हैं हमारी अगली न्यूज आ रही है OnePlus Nord की तरफ से। तो OnePlus थोड़े दिन हो गए थे कि टेक्निकल में नहीं आ रहा था, मगर अब OnePlus आया है। OnePlus ऐसा कहा जा रहा है कि वो Nord सीरीज में जल्द से जल्द एक नया फोन आने वाला है Nord सीरीज के अंदर। देखेंगे वो कौन सा फोन होगा, Nord 2 नहीं होगा, Nord Lite हो सकता है। हां, Nord Lite हो देखेंगे सकता है। अब इसका कुछ ना कुछ आएगा, लीक हो चुके हैं इस ये महीने के एंड में, मंथ में, जनवरी एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा इसका। चलते हैं अब अगली न्यूज आ रही है हमारी इंडियन कंपनी लावा के बैटरी की। आपको तो पता है, 3-4 बार बता रखा है कि इधर उधर बैटरी लिस्ट हो रही है,
अब फिर लिस्ट हो रही है बैटरी, देखते हैं, पता नहीं है कि कौन सा फोन आने वाला है। छुटपुट छुटपुट उसके न्यूज निकलते जा रहे हैं, हिंट देते जा रहा है पार्ट्स पार्ट्स वगैरह से, मगर टोटल उसका स्पेक्स निकल नहीं रहा है। और जल्द से जल्द ये न्यूज निकल रही है कि लावा भी एक नया फोन लॉन्च करने वाला है। जिस तरीके से माइक्रोमैक्स बैक किया है, कमबैक किया है, उसी तरीके से लावा भी करेगा। तो इंडियन कंपनी के लिए हमारे तरफ से गुड लक। चलिए चलते हैं, अब हमारी न्यूज यहाँ पे खत्म होती है। तो आज की टेक न्यूज में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, कमेंट जरूर से करना कि कौन सी टेक न्यूज आपको अच्छी लगी, कौन सी टेक न्यूज आपको बहुत यूजफुल लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।